WTC 2025 के फाइनल के लिए वो ऐसे कौन से दो टीम होंगे जो खेलने के लिए सबसे बड़े दावेदार है, उनके बारे में बात करेंगे और ऐसे टीम्स के तरफ भी नजर डालेंगे जिनके थोड़े बहुत भी चांसेस है और जिनको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। आज के वीडियो का टॉपिक यही है, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो सबसे पहले नजर डालते हैं एक बार WTC 2025 के पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो आपको क्लियरली एक बार देखेगा कि वहां पे सबसे ऊपर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम और नीचे जो टीम्स है उनके इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है परसेंटेज में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीचे वाले टीम्स को लेकर, क्योंकि उनको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज के बारे में। वेस्ट इंडीज ने अब तक 9 मैचेस खेले हैं और उनके पॉइंट्स है 20 और उनका परसेंटेज है 16.5। अभी उनके दो रिमेनिंग सीरीज है जहां पे वो बांग्लादेश के सामने होम सीरीज खेलने वाले हैं और पाकिस्तान के साथ अवे सीरीज जहां पे वो दो टेस्ट मैच खेलेगी। और अगर मान लो अगर ये सबके सब टेस्ट मैच जीत भी गए तो भी उनको जरूरत पड़ेगी कि बाकी की रिजल्ट उनके हक में जाए, जो कि होते हुए मेरे को बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो वेस्ट इंडीज क्लियरली यहां पे एलिमिनेट हो गई है मेरे हिसाब से। नंबर 8 के ऊपर है पाकिस्तान जिन्होंने 7 मैचेस में हासिल किए हैं 16 पॉइंट्स और उनका परसेंटेज है 19.1 और उनके बाकी वे जो रिमेनिंग मैचेस है वो घर पे खेलने वाले हैं। इंग्लैंड के सामने 3 मैचेस और वेस्ट इंडीज के सामने 2 मैचेस और साउथ अफ्रीका जाकर खेलेंगे 2। अगर ये 7 में से 7 मैच जीते तो वही हाल होगा जो होगा वेस्ट इंडीज का, उनको बाकी के जो सिनेरियोस है उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और एक बात तो क्लियर है, ये जो 5 मैच घर पे खेलने वाले उसमें से भी ये मुश्किल से 1-2 जीतेंगे, या शायद से ये भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। तो पाकिस्तान का भी यहां पे नंबर 7 पे है साउथ अफ्रीका। इन्होंने अब तक 6 मैचेस खेले हैं, उनके पॉइंट्स है 28 और परसेंटेज है 38.9। जो इनके बाकी बचे हुए मैचेस है वो है 6 इन टोटल, जहां पे वो 2 खेलेंगे श्रीलंका के सामने, 2 खेलेंगे पाकिस्तान के सामने घर के ऊपर और बांग्लादेश जाके खेलने वाले हैं 2। अब ये जो 6 मैचेस बचे हुए इसमें से उनको मिनिमम 5 तो जीतने ही पड़ेंगे, जो साउथ अफ्रीका की टीम कर सकती है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका की टीम अभी फिलहाल बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है, साथ ही श्रीलंका ने इनको घर के ऊपर हराया है। ओनली नेशन टू डिफीट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लिए जो सफर है WTC फाइनल 2025 खेलने का, ये आसान नहीं होगा। नंबर 6 के ऊपर है इंग्लैंड की टीम जिन्होंने अब तक खेले हैं इन टोटल 16 मैचेस, उन्हें पॉइंट्स है 81 लेकिन परसेंटेज जो है वो है 42.2। अभी उनके रिमेनिंग मैचेस है 6 जिसमें वो खेलने वाले हैं पाकिस्तान में जाकर 3 मैचेस और न्यूजीलैंड जाकर 3 मैचेस। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, उनको 6 के 6 मैच जीतने पड़ेंगे और अगर वो 6 के 6 मैच जीतते भी है तो भी उनका परसेंटेज जो है वो जाएगा 57.5 पे और उनको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि बाकी के जो सिनेरियोस है वो उनके हक में जाए। और अगर ऐसा होता है तभी कहीं ना कहीं इंग्लैंड अपना होम फाइनल खेल सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न ये है कि उनको जाकर खेलना है पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे मैचेस के रिजल्ट इजीली निकलते नहीं है, ज्यादातर मैचेस ड्रॉ होते हैं। और न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हराना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, अब तो जेम्स एंडरसन भी रिटायर हो गया है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितना मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड के लिए। अब बारी है नंबर 5 के ऊपर श्रीलंका की। 7 मैच खेले हैं, 36 पॉइंट्स है इन टोटल और परसेंटेज है 42.9। बाकी बचे हुए जो मैचेस है इनके वो है 6 जहां पे ये 2 खेलने वाले हैं, न्यूजीलैंड के सामने घर के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया के सामने घर के ऊपर और साउथ अफ्रीका जाकर 2 मैच खेलने वाले हैं। तो टोटल 6 मैच इनके बचे हुए जिसमें से इनको 5 जीतने हैं। लेकिन भाई सामने जो इनके ओपोनेंट्स है वो देखो कितने टफ है, तो मेरे को क्लियरली नहीं लगता कि श्रीलंका यहाँ पे WTC फाइनल खेल सकती है। नंबर 4 के ऊपर है बांग्लादेश। हाँ भाई ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन नंबर 4 के ऊपर है ये। अभी बांग्लादेश 6 मैच खेली है, उनके 33 पॉइंट्स है और परसेंटेज है उनका 45.8। उनके भी 6 मैचेस बचे हुए, अब इंडिया के सामने 2 मैच खेलने, इंडिया में आकर बाद में वेस्ट इंडीज के सामने 2 मैच खेलने और साउथ अफ्रीका के सामने 2 मैच इनके बाकी है जो वो घर पे खेलेंगे। इनको भी 5 मैच जीतने हैं 6 में से, जो होता हुआ बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। इसमें से अगर एक भी मैच अगर वो जीते तो बहुत बड़ी बात होगी। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश तो फाइनल नहीं खेलने वाली। नंबर 3 के ऊपर प्लेस है न्यूजीलैंड की टीम। इन्होंने अब तक 6 मैचेस खेले हैं, 36 पॉइंट्स इनके हैं और परसेंटेज है 50। न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जो सबसे ज्यादा कम मैचेस खेलती है और सबसे ज्यादा चांसेस इनके होते हैं क्वालिफाई होने के, और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीनेरियो है। लेकिन जो रिमेनिंग मैचेस इनके बाकी है वो टोटल है 8, जिसमें 2 श्रीलंका के सामने श्रीलंका में खेलेंगे, 3 खेलेंगे इंडिया के सामने इंडिया में और 3 खेलेंगे इंग्लैंड के सामने अपने घर में। न्यूजीलैंड का सीनेरियो कुछ ऐसा है कि उनको 6 मैचेस जीतने हैं अब टोटल बचे हुए 8 मैचेस में से, और इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंडिया का टूर। यहाँ पे अगर वो एटलीस्ट एक मैच भी जीत गए
और बाकी के जो रिमेनिंग मैचेस है वो अगर जीत गए तो हाँ ये WTC फाइनल जरूर खेल सकते हैं। और अगर इनका इंडिया टूर सही में बहुत अच्छा गया तो इनके तो चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे आपके क्या थॉट्स है न्यूजीलैंड को लेकर ये कमेंट करके जरूर बताना। और टोटल बचे हुए मैचेस है इनके 7 जिसमें से इनको जीतने हैं 4। यहाँ पे ये श्रीलंका के साथ खेलेंगे श्रीलंका में 2 मैचेस और इंडिया के सामने घर के ऊपर खेलने वाले हैं 5 मैचेस। बात करते हैं ऐसे 2 टीम्स के बारे में जिनका सबसे ज्यादा ही चांस है WTC फाइनल खेलेगा। नंबर 2 के ऊपर है प्लेस्ड ऑस्ट्रेलिया की टीम, 12 मैच खेले हैं, टोटल 90 पॉइंट्स इनके हैं और 62.5% है। तो मिनिमम 4 मैचेस जो खेलने हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये चाहे से 4 मिनिमम जीत ही सकते हैं। अगर ये 4 मैच नहीं जीते तो भाई इनके ऊपर लानत होगी फिर। वैसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल खेले भाई, बदला जो लेना है 2023 का। आप लोग भी चाहते हो ना बदला, कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं आज की वीडियो की आखिरी टीम जो नंबर 1 के ऊपर प्लेस है पॉइंट्स टेबल में, और वो है इंडिया की टीम जिन्होंने 9 मैचेस अब तक खेले हैं, 74 पॉइंट्स है उनके और सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है 68.5। 10 मैच अब उनके बाकी है जिसमें से उनको बस 5 मैच जीतने हैं, और जो 10 मैचेस बाकी है जहां पे वो घर पे खेलने वाले हैं बांग्लादेश के सामने 2 मैचेस, न्यूजीलैंड के सामने 3 मैचेस और ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलने वाले हैं 5 मैचेस, और इसमें से अब उनको 5 मैच जीतने हैं, और अगर वो मिनिमम 5 मैच जीतते हैं तो पक्का WTC फाइनल एक बार फिर से खेलेगी। वैसे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होना है उसके लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्यों वो 5 मैच होना है, तो आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में बताओ। मेरे हिसाब से ये 3-2 हो सकता है जहां पे इंडिया इस सीरीज को जीतेगी। तो ओवरऑल ये सब सिनेरियो से सब टीम्स को लेकर जहां पे एक क्लियर कट पिक्चर आपके सामने आ ही गई होगी कि कौन से 2-3 टीम्स हैं जिनके सबसे ज्यादा चांस है WTC फाइनल 2025 खेलने के। वैसे ICC ने अनाउंस कर ही दिया था कुछ दिन पहले कि WTC फाइनल 11 से 16 जून के बीच में खेला जाएगा, क्योंकि एक रिजर्व डे भी है उसमें। ऊपर से ये जो WTC फाइनल 2025 है ये खेला जाएगा लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर, और हां लगातार 3री बार इंग्लैंड को होस्टिंग राइट्स मिले हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ICC भी कुछ बताती नहीं कि क्यों बार बार वहीं पे इनको फाइनल कराना है, क्योंकि जो इनकी टीम है इंग्लैंड की टीम ये आज तक एक भी फाइनल खेली नहीं है और अभी भी इनके चांसेस बहुत गंदे हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है ये कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, 700 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है। ऊपर से बहुत बड़ा टेस्ट सीजन आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आते रहेंगे। ऊपर से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट का जो प्रीव्यू है वो भी चैनल के ऊपर जरूर आएगा, तो प्लीज उसको चेकआउट जरूर करना और बने रहो चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्ट्स कंटेंट ऑलमोस्ट हर रोज आते ही रहता है, तो उसको भी चेकआउट जरूर करना। लाइक करना मत भूलना भाई लोग, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होना है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रेजी कंटेंट आने वाला है चैनल के ऊपर। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।